हेलो किडोज, आज हम करेंगे क्लास 3 इंग्लिश ओलंपियाड की ये वर्कशीट नाउन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31 में मैच द एनिमल विद द फूड दे ईट। ये जो हमको एनिमल्स के नाम दिए हैं, इनको जो ये खाना खाते हैं उससे मैच करना है। लिस्ट 1 में देखो, ए काओ। काओ, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना मिल्क से। काओ हमको दूध देती है लेकिन खाती तो ग्रास है ना, तो काओ को हम मैच करेंगे ग्रास से, 4 से। बी डॉग, डॉग को पसंद होती है बोन, हड्डी, तो इसको मैच कर देंगे 3 से। देन सी रैबिट, रैबिट को गाजर बहुत पसंद होती है तो रैबिट को मैच कर देंगे कैरेट से। एंड डी कैट, कैट लव्स मिल्क, काओ का फेवरेट दूध होता है तो इसको मैच कर देंगे 2 से। पैटर्न बना हमारा 4-3-1-2 विच इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द मेटल विद द आर्टिकल्स। लिस्ट 1 में हमको मेटल्स के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 में उनसे क्या आर्टिकल बन सकता है वो दिया है, मैच करना है। ए देखो गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है ज्वेलरी, और यहाँ पे ज्वेलरी में क्या है नेकलेस, तो इसको मैच कर दो 3 से। बी देखो क्ले, आपने देखा होगा मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी की सुराही होती है, तो क्ले से बनेगा पॉट। सी आयरन, लोहे की कढ़ाई देखी है ना घर में, मम्मा के पास बर्तनों में होती है, तो आयरन के बनते हैं यूटेंसिल्स। एंड डी वुड, लकड़ी से तो फर्नीचर बनता है घर का, और यहाँ पे फर्नीचर में है टेबल, तो इसको मैच कर देंगे 2 से। ऑप्शन बना हमारा 3-4-1-2 जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द ऑब्जेक्ट विद द प्लेसेस वेयर दे आर स्टोर्ड। लिस्ट 1 में हमको ऑब्जेक्ट दिए हैं, लिस्ट 2 में हमको उस जगह का नाम दिया है जहाँ इनको स्टोर करते हैं, मैच करते हैं। ए बहुत सारी शिप्स कहाँ पर रखी जाती हैं, हार्बर, हार्बर वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स खड़ी होती हैं। बी कॉइन, कॉइन कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, मिंट में। इंडिया में आज की डेट में 4 मिंट हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सी आर्ट, आर्ट को रखा जाता है म्यूजियम में जहाँ पे पब्लिक जाके उनको देख सकती है, डिस्प्ले के लिए म्यूजियम में रखा जाता है। डी क्लोथ्स, कपड़ों को वैसे तो हम कबर्ड में रखते हैं लेकिन कपड़ों को लॉन्ड्री में रखा जाता है धुलने के लिए, तो इसको मैच कर देंगे लॉन्ड्री से। हमारा पैटर्न बना 2-1-4-3 जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द कलेक्टिव नाउन विद द वर्ड्स। कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन, ग्रुप या किसी झुंड में जो चीज़ें होती हैं कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन जो लिस्ट 1 में दिए हैं इनको हमको लिस्ट 2 से मैच करना है। ए में दिया है फ्लीट, फ्लीट बोलते हैं शिप्स का जो बहुत सारी शिप एक साथ होती है उसको बोलते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप। बी स्वॉर्म, स्वॉर्म होता है मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज। सी फ्लॉक, भेड़ के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप। एंड डी हर्ड, हर्ड क्या होता है गाय भैंस का जो झुंड होता है ना कैटल्स, तो हर्ड ऑफ कैटल। हमारा पैटर्न बना 4-3-2-1 विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फ्रेजेस विद द गिवन वर्ड। अब लिस्ट 1 में फ्रेज है, लिस्ट 2 में वर्ड है, मैच करना है। ए कवर्ड स्टॉल इन अ फेयर, आपने मेले में देखा होगा जहाँ स्टॉल्स लगी रहती हैं जिसमें जाके आप कुछ खाते हो या कुछ खरीदते हो, उसको हम बोलते हैं बूथ, तो इसको मैच कर देंगे 3 बूथ से। बी स्कूल फॉर किड्स, छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसको बोलते हैं किंडरगार्टन, तो इसको मैच कर देंगे 1 से। सी फ्रूट्स आर ग्रोन, जहाँ पे फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। एंड डी वेपन्स आर स्टोर्ड, हथियार जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं आर्सनल, आर्सनल मतलब शस्त्र रखने की जगह, तो हमारा पैटर्न बना 3-1-4-2 विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इनविजिबल वर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या इनविजिबल वर्ब्स होते हैं, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट, आइडिया, फीलिंग्स को रेफर करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लेकिन ये नाउन होते हैं, ये वर्ब नहीं होते, तो ए तो हो गया फॉल्स। बी प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर इन द बिगनिंग, प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नाम होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हाँ, जैसे हम बोलेंगे आगरा, आगरा इज़ अ प्रॉपर नाउन, ए कैपिटल से होगा। ताजमहल, टी कैपिटल से होगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से होता है। सी मटीरियल नाउन डिनोट्स द क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या मटीरियल नाउन किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, नहीं, मटीरियल नाउन एक वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि हमारे सेंसेस के थ्रू जो हम देख के बता सकते हैं, छू के बता सकते हैं, वो होता है मटीरियल नाउन। डी
प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन. क्या कभी कभी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन ट्रेट यूज करते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ ही इज़ द न्यूटन ऑफ आर क्लास, तो वो हमारी क्लास का न्यूटन है. न्यूटन वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में न्यूटन हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि हमने उसको कॉमन कर दिया, जनरलाइज कर दिया. तो इसका हमारा पैटर्न बना फॉल्स ट्रू विच इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 37 का ए देखिए. चाइल्ड इज अ कॉमन नाउन बट चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चाइल्ड, बच्चा, किसी भी बच्चे को हम बच्चा ही बोलते हैं ना, तो ये तो कॉमन नाउन है, ये तो ठीक है. चाइल्डहुड, बचपन, बचपन क्या हमको दिखता है? नहीं, एक महसूस फीलिंग होती है ये, तो बचपन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ए तो हमारा ट्रू है. बी देखो, अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ प्रॉपर नाउन शुड नॉट हैव कैपिटल लेटर. बोल रहे प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए. रॉन्ग. प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लेटर से वो वर्ड स्टार्ट होता है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो. सी, मॉब इज अ कलेक्टिव नाउन बट लायन इज अ कॉमन नाउन. मॉब मतलब कि भीड़. भीड़ एक कलेक्टिव नाउन है ना, क्योंकि ग्रुप है, झुंड है, तो भीड़ तो कलेक्टिव नाउन है, ये सही है. लॉयन इज अ कॉमन नाउन. हाँ, एक जानवर की प्रजाति को हम कॉमनली लॉयन बोलते हैं, तो ये भी सही है. सी भी ट्रू है. डी, कॉमन नाउन कैन समटाइम्स बी यूज्ड एज प्रॉपर नाउन्स. नो, कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन नहीं बना सकते, लेकिन प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन बना सकते हैं. जैसे मैंने भी बताया था, ही इज द न्यूटन ऑफ आर क्लास, तो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन नहीं बना सकते, ये भी फॉल्स. तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी ट्रू, डी फॉल्स, हमारा बना ऑप्शन डी, ए एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38, लुक एट द पिक्चर. बेस्ड ऑन द पिक्चर हाउ मेनी नाउन यू कैन फाइंड विच कैन रिलेट टू द पिक्चर. अब ये हमको पिक्चर दी है, इससे रिलेटेड इन वर्ड्स में कितने नाउन है ये हमको बताना है. तो ये पिक्चर किसकी है? किसी आदमी, मैन की पिक्चर है ना. अब एक एक करके वर्ड देखते हैं. गर्ल, क्या ये किसी गर्ल की पिक्चर हो सकती है? गर्ल तो फीमेल होती है, नहीं. फिर है मॉम, क्या ये हमारी मम्मा की पिक्चर हो सकती है? नहीं, वो भी फीमेल होती है. फिर है डैड, फादर की पिक्चर ये हो सकती है, क्योंकि पापा तो मेल होते हैं और ये भी मैन है. देन है ग्रैंडमा, ग्रैंडमा फीमेल होती है, नहीं हो सकती. ग्रैंडपा, दादू की पिक्चर ये हो सकती है, मेल होते हैं. मिस्टर जोन्स, मिस्टर जो होता है वो मेल होता है, तो ये भी हो सकती है. मिसेस जोन्स, वो तो फीमेल होंगी, कोई आंटी होंगी, ये नहीं हो सकती. तो यहाँ पे तीन पिक्चर्स बन सकती हैं, डैड, ग्रैंडपा एंड मिस्टर जोन्स. हम करेंगे थ्री, ऑप्शन बी को सेलेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, ये पिक्चर किसकी है? एक मूर्ति की पिक्चर हमको दिख रही है, ठीक है. अब इससे रिलेटेड कौन कौन से नाउन है ये देखते हैं. क्या ये स्कूल है? स्कूल से रिलेटेड है? नहीं. फिर है स्टैचू, स्टैचू का मतलब भी होता है मूर्ति, और ये मूर्ति है, तो ये स्टैचू तो करेक्ट है, ये नाउन इससे रिलेटेड है. मॉस्क, नहीं. जहाँ पे मुस्लिम पूजा करने जाते हैं, मॉस्क. चर्च, जहाँ पे क्रिश्चियंस प्रेयर करने जाते हैं, चर्च, नहीं. लिबर्टी, हाँ, ये जो मूर्ति है इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी इससे रिलेटेड नाउन है. फिर है न्यूयॉर्क, क्या न्यूयॉर्क इससे रिलेटेड है? हाँ, क्यों? क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, तो न्यूयॉर्क भी इससे रिलेटेड हो गया. तो हमको तीन मिल गए, स्टैचू, लिबर्टी एंड न्यूयॉर्क, हमारा बना ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40 में जो हमको इमेज दी है, ये किसी पर्स की इमेज लग रही है, जो लेडीज कैरी करती है ना पर्स, वो लग रहा है. अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हैं. पहले मुझे दिख रहा है हैंड, क्या हम इसको हैंड में कैरी करते हैं? हाँ. दूसरा दिख रहा है बैग, इसको हम बैग भी बोलते हैं? हाँ. हैंड बैग भी बोलते हैं, इसको हम हैंड में कैरी करते हैं, तो हैंड भी हो गया, बैग भी हो गया. फादर, क्या फादर कैरी करते हैं? नहीं. जंप, जंप से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है. डेली, डेली से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर्स तो कहीं भी मिल जाता है. देन लेदर, हाँ, बहुत सारे पर्स जो हैं वो लेदर के बने होते हैं, तो लेदर इससे रिलेटेड नाउन हो सकता है. देन लेडी, लेडी पर्स को कैरी करती हैं, तो लेडी भी इससे रिलेटेड नाउन है. तो हमें मिले चार नाउन, हैंड, बैग, लेदर, लेडी, ऑप्शन सी. अब क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय.